एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बार फिर अपना आंदोलन तेज कर दिया। इसी बीच किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। किसान नेताओं ने अब दिल्ली कूच को 2 दिन स्थगित करने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। शंभू बॉर्डर पर किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली कूच कर रहे किसानों की हरियाणा से लगे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प हुई। हरियाणा पुलिस ने सीमा तोड़ने की कोशिश पर प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी शुभकरण सिंह जख्मी हो गया। किसानों का कहना है कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में एक किसान और 2 पुलिस वाले घायल हुए, तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मुजफ्फरनगर में धरना दे रहे एक किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अभी फिलहाल 2 दिन के लिए किसानों ने दिल्ली कूच टाल दिया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक बार फिर वार्ता का प्रस्ताव आया है, तो उसी को लेकर अब किसान जो आगे की रणनीति बनाएंगे। तो इस तरह की बात ठीक नहीं। हम तो पूरे देश को बोलना चाहेंगे, चाहे वो चाहे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बिहार है, उड़ीसा है, साउथ इंडिया है, पूरा भारतवर्ष के उठिए, मोदी सरकार का विरोध कीजिए। सारे देश का बड़ा मुद्दा है एमएसपी लीगल गारंटी कानून लेने का, और देखेंगे अगर निर्णय हो गया आपको क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। और अभी 2 दिन के लिए ये आंदोलन जो है अपनी जगह जहां पर चल रहा है यहां पर ही चलता रहेगा। सारी घिनौरी की परिस्थिति का जायजा लेने के बाद वहां क्या कुछ चल रहा क्या नहीं चल रहा, उन सब बातों को देखते हुए आगे का निर्णय लेंगे। जो इससे पहले मनजीत सिंह जो थे, जो शहीद हुए थे हार्ट अटैक से, उनका अभी शरीर भी हॉस्पिटल में है। पंजाब सरकार की ओर से अभी उनका जो 5 लाख का मुआवजा, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस सब बातों को सभी को निपटारे के लिए अब हम शंभू से एक टीम लीडर्स की भेजेंगे। तो ये सरकार का जो चेहरा है पूरी देश दुनिया देख रही है, उनको मालूम हो रहा है। और इससे अलग घनौरी में पुलिस फोर्स आगे बढ़ी, आगे बढ़कर उन्होंने 25-30 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तोड़े हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं। एक हरियाणा का कोई बताया जा रहा किसान है, उसको बोरी में डालकर उनकी टांगे तोड़ के और खेतों में फेंक दिया गया, और अन्य बातें भी हमारे सामने आ रही है। पुलिस कर्मी सीधे गोली एसएलआर से चलाते बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये बुलेट की वर्तो की गई है, हमने देखा शरियाम वर्तो की गई है, और पूरा पुरमन आंदोलन के ऊपर। और आप शंभू पर भी थे, आप देख लिए, हमने पूरी पुरमन तरीके की व्यवस्था कर रखी है, फिर भी सरकार एक ओर से, जब हम बिल्कुल पीसफुली थे, एक ओर से 9:10:57 पर जब हम बिल्कुल पुरअमन थे, लीडर अभी स्पीच कर रहे थे, तो पहला हंजू गैस फेंका गया हमारे ऊपर। तो पुरामन खड़ों के ऊपर भी एक तरफ हम पीसफुली बैठे हुए, हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से जो है वो हाई एक्सपोजर की जो वर्तो है वो की जा रही है।